मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना, जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना, सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी, और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाके। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ड्राइवर ने कलेक्टर को औकात बता दी। प्रायः इस देश में IAS और IPS अपने आप को भगवान समझते हैं, किसी से कुछ भी बोल देते हैं। आदमी को आदमी समझना इनकी फितरत में नहीं है। सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकांशतया ऐसे ही होते हैं। हिट एंड रन को लेकर पूरे देश के अंदर ड्राइवर हड़ताल पर थे। मध्य प्रदेश के अंदर शाजापुर में कलेक्टर ट्रक ड्राइवर के साथ बैठक कर रहे थे। कलेक्टर महोदय का नाम है किशोर कुमार कन्याल। बैठक के दौरान किशोर कुमार कन्याल ट्रक ड्राइवर से ऊंचे स्वर में बात करने लगे और बोले, तुम्हारी औकात क्या है? कोई कानून का भी हाथ नहीं आएगा, सुन लीजिए। हाँ, ऐसी बात हो चुकी है तुम्हारे यहाँ पे, अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ में रखो, क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं। ट्रक ड्राइवर भी पलट कर जवाब दे दिया। ट्रक ड्राइवर कलेक्टर साहब से बोला, यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में कलेक्टर का यह कथन वायरल हो गया, और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस वीडियो को देखने के बाद कलेक्टर को उनकी औकात बता दी, जो ट्रक ड्राइवर की औकात पूछ रहे थे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने एक आम आदमी के मान सम्मान की रक्षा की। प्रदेश के प्रमुख सेवक से आम आदमी यही उम्मीद भी करता है। जिस तरीके से ट्रक ड्राइवर से कलेक्टर साहब मुखातिब हुए थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा कदापि नहीं था कि एक ट्रक ड्राइवर कलेक्टर साहब से उनकी कलेक्टरी छीन लेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर रहे किशोर कुमार कन्याल का यह विवादित बयान आम आदमी के विरुद्ध माना और कहा कि ऐसे व्यक्ति फील्ड में रहने लायक नहीं है। सुनिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। जी सर, मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है, और ख़ासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है, कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को, अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मैं मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की, मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान और कार्यवाही के बाद शायद मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी मैदानी अधिकारी हैं उनकी भाषा में लोच और लचक आ ही जाएगा।
जब जनता की सरकार है और जनता के साथ ही अन्याय हो, जनता के साथ ही अधिकारी उचित व्यवहार न करें, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को सजा मिलनी ही चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को ऐसी जगह तो नहीं बैठाना चाहिए जहां सीधा जनता से उसका सामना हो। विशाल खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस कार्यवाही का दिल से स्वागत करता है और भविष्य में यह उम्मीद भी करता है कि यदि कोई भी अधिकारी आम आदमी के साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाए तो उस अधिकारी के साथ भी यही बर्ताव किया जाना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।